करीब 3 महीने पहले 8 साल की एक मासूम बच्ची आसिफा, उसको कुछ दरिंदे एक पवित्र जगह जहां पे सनातन धर्म के असली हिंदू पूजा करते हैं वहां पे ले जाके उसको ड्रग्स देके उसके साथ 8 से 9 दिनों तक रोज बलात्कार किए। उन दरिंदों के नाम है संजराम, उसके बाद उसके भतीजे, भतीजे के दोस्त विशाल जगोत्रा, मन्नू, जैन के पुलिस का दीपक खजूरिया, परवेश कुमार, तिलक राज हेड कांस्टेबल, ये सब कुत्तों के नाम है जो कुत्ते जैन के में रहते हैं। और मैं एक बात का आज खुलासा करूंगा कि इनका जो समर्थक कर रहे हैं हाथ में तिरंगा लेके और जय श्री राम के नारे लगा के, आज उन्होंने राम को भी बदनाम कर दिया, आज उन्होंने जय श्री राम को भी बदनाम कर दिया। सीता मैया आज उनको वहां से गालियां दे रही होगी कि एक लड़की का बलात्कार हुआ जय श्री राम के नारे लगा लगा के। अरे कहां से आए रे तुम लोग कुत्तों के बच्चों, हां साले तुम्हारी मां बहनों का रेप होगा कैसा लगेगा तुमको, 10 दिन तक उनका रेप किया जाए उसके बाद उनको पत्थर से कुचल के मार दिया जाए कैसा लगेगा तुम लोगों को। और इन कुत्तों का सर लाने वाले को मैं 50 लाख रुपए का इनाम मैं घोषित करता हूं एजाज खान। ये कुत्तों को अगर जो कश्मीर के जो टेररिस्ट है जो वो है सबको मैं कह रहा हूं कि इनको मारो, ये है असली दरिंदे, इनको मारने वालों को 50 लाख रुपए का गर्दन काट के जो लाएगा उसको 50 लाख रुपए का इनाम एजाज खान देता है।